तो नथिंग के सब ब्रांड्स सीएमएफ ने अपने नए प्रोडक्ट्स का लाइनअप लॉन्च कर दिया है एंड ये मार्केट में अवेलेबल होंगे 12 जुलाई से खरीदने के लिए। एंड इन्होंने अपना सबसे पहला फोन लॉन्च किया है सीएमएफ फोन 1 एंड इसके साथ इन्होंने दबा के एक्सेसरीज लॉन्च करी है। देन इन्होंने लॉन्च करे एक सीएमएफ बड्स प्रो 2 जो कि हमारे वाले सीएमएफ बड्स का ही डिजाइन फॉलो करते हैं। एंड एक इन्होंने लॉन्च करी अपनी सीएमएफ वॉच प्रो 2 जो कि इस बार राउंड डायल में आती है, लास्ट वाली वॉच इनकी स्क्वायर डायल में आती थी। हमारे पास सीएमएफ फोन 1 तो है नहीं क्योंकि चैनल अभी गरीब है तो लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं हो। बट मेरी मम्मी ने रिसेंटली 1 वीक पहले ही नथिंग फोन 2A खरीदा तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें ये दोनों फोन्स को कंपेयर किया जाए एंड साथ ही साथ नथिंग फोन 2A का रिव्यू भी कवर हो जाएगा इसमें। तो काफी बड़े यूट्यूबर्स ने सीएमएफ फोन 1 ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है तो मैंने उन सबसे ही रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लाई है। तो हम साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे सीएमएफ फोन 1 और नथिंग फोन 2A को। तो इसी के साथ अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं एंड लेट्स कंपेयर कि कौन सा बजट फोन बेटर है। तो कुछ इस टाइप का बॉक्स मिल जाता है नथिंग 2A का, देन इसके अंदर एक व्हाइट कलर का बॉक्स मिल जाता है एंड इस बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है हमारा फोन। देन इसके नीचे मिल जाती है टाइप सी टू टाइप सी वाली केबल, नथिंग वाली ट्रांसपेरेंट वाली। एंड यहाँ पे मिल जाता है एक नथिंग का स्पेशल ट्रांसपेरेंट वाला सिम इजेक्टर टूल एंड इसके नीचे मिल जाती है यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड। बाकी इस फोन के साथ कोई अडैप्टर नहीं मिलता है हमें। एंड सेम वही सीएमएफ फोन में भी ऐसे एक बॉक्स मिल जाता है, बॉक्स के अंदर हमारा एक फोन मिल जाएगा एंड इसमें एक जेनरिक सी वाइट टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल जाएगी एंड एक ये सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा क्यूबॉइड सा ऑरेंज कलर का। तो डिजाइन लैंग्वेज के मामले में नथिंग हमेशा बाकी ब्रांड से अलग ही रहा है एंड सिमिलरली इस फोन का डिजाइन भी काफी यूनिक सा है एंड कॉन्ट्रोवर्शियल भी है क्योंकि काफी लोगों को इसका डिजाइन पसंद नहीं आया। बट मैं अगर पर्सनली बताऊं मुझे इसका डिजाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पे कुछ ये इंटेस्टाइन के शेप का पैटर्न मिल जाता है हमें एंड ऊपर की साइड हमें दो कैमरा मिल जाते हैं सेंटर में एंड ये आईज टाइप की लुक दे रहे हैं एंड इन कैमरा के अराउंड हमें मिल जाती है 3 ग्लिफ लाइट की स्ट्रिप्स एंड ये ग्लिफ लाइट्स नथिंग की यूएसपी है। एंड हमेशा की तरह पीछे ट्रांसपेरेंट लुक्स मिल जाती है एंड इसमें प्लास्टिक मिलता है अनलाइक नथिंग फोन 1 एंड 2 उनमें ग्लास डालते हैं क्योंकि वो प्रीमियम फ्लैगशिप वाले फोन है तो उसमें पीछे ग्लास आता है। बट प्लास्टिक के अपने अलग बेनिफिट्स हैं, जैसे प्लास्टिक ज्यादा ड्यूरेबल होता है, गिरकर टूटेगा नहीं प्लास्टिक, प्लस दूर से देखने में पता नहीं चलता कि ये प्लास्टिक है, दूर से लगता है कि हाँ ट्रांसपेरेंट है, ग्लास ही होगा। बाकी इसमें मिल जाती है IP54 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग तो हल्के बहुत पानी के स्प्लैशेस पड़ जाए या फिर धूल मिट्टी में हो जाए तो फोन खराब नहीं होगा। देन आगे की साइड आ जाए तो हमें स्क्रीन के चारों तरफ इक्वल बेजल मिल जाते हैं सिमेट्रिकल से एंड एक पंच होल कैमरा मिल जाता है। देन सीएमएफ फोन के डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन बड़ा ही रफ एंड टफ सा लगता है एंड सारे नॉर्मल फोन से एकदम अलग है इसका डिजाइन। एंड इसमें स्पेशल क्या है, इसमें हमें पीछे मिलती है बैक प्लेट्स जो कि स्वैपेबल है, आप बाहर से दूसरी बैक प्लेट्स परचेज कर सकते हो एंड उसके अंदर ये टूल आता है, फुल पेचकस एंड स्क्रू वाला हिसाब किताब है तो आप इस टाइप से एक बैक प्लेट निकाल के दूसरी बैक प्लेट लगा सकते हो इजीली। तो इस वजह से कवर का झंझट ही खत्म एंड साथ में फोन रिपेयर करना भी काफी इजी बन जाता है इस वजह से। एंड याद है मैंने बताया था काफी सारी एक्सेसरीज भी लॉन्च करी इन्होंने, तो आप ये जो नीचे स्क्रू वाला डायल है इसे हटा के उन एक्सेसरीज को इसमें लगा सकते हो डायरेक्टली। जैसे कि एक आता है ये स्टैंड, ये स्टैंड डायरेक्टली वहां पे लग जाएगा एंड फोन आप इस पे ऐसे खड़ा कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तो ये काफी सही लगता है। फिर एक ये लैनियार्ड मिल जाता है, इसको भी आप लगा सकते हो इजीली एंड एक मिल जाता है ये वॉलेट टाइप का। अब फोन में कोई मैग्नेट तो है नहीं, सस्ता फोन है, बट आप ये बैक प्लेट लगा सकते हो फोन के पीछे कॉज वाई नॉट एंड इस पे चिपक जाता है ये वॉलेट इजीली एंड इस वॉलेट के अंदर आप 2-3 कार्ड वार्ड रख सकते हो जो कि मुझे प्रीटी मच यूजलेस सा लगा, उतना खास नहीं लगा, सस्ता जुगाड़ लगा मेरे को। एंड इसमें हमें एक बड़ी ही कमजोर सी IP52 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाती है जो कि पानी से ठीक ठाक प्रोटेक्ट कर लेती है बट डस्ट से बिल्कुल नहीं कर पाती। अब फोन खुल जाता है तो रेटिंग तो ऐसी ही मिलेगी। फिर आगे के साइड से हमें 3 साइड से सिमेट्रिकल बेजल मिल जाएगा एंड नीचे से थोड़ा सा मोटा बेजल मिल जाता है। देन दोनों ही फोन में एक बड़ी सी 6.7 इंचेस की FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड नथिंग फोन 2A में मिलती है LTPO डिस्प्ले जो कि अपने आप यूज के हिसाब से 30 से 120 हर्ट्ज के बीच में शिफ्ट करती रहती है बैटरी सेव करने के लिए। देन इसे पीक ब्राइटनेस मिल जाती है 1300 निट्स की एंड टिपिकल ब्राइटनेस मिल जाती है 700 निट्स की, तो इंडोर्स में तो डिस्प्ले बढ़िया दिख जाती है एंड आउटडोर्स में भी ठीक ठाक दिख जाती है। बट सीएमएफ फोन में ब्रांड ने मेंशन करा है कि 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है जो कि बहुत स्पेसिफिक सिचुएशंस में जाती है। टिपिकल इसमें भी 700 निट्स की ब्राइटनेस है एंड ये भी अच्छी खासी दिख जाती है इंडोर्स में भी और आउटडोर्स में भी। एंड दोनों फोन में HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है जो कि सीएमएफ फोन 1 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी बड़ी बात है।
बट डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो नथिंग 2A के काफी बेटर हैं। इसमें हमें 10 बिट कलर डेप्थ मिलती है विद 1.07 बिलियन कलर्स एंड इसमें 5:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल जाता है, तो ब्लैक जो है एकदम डीप ब्लैक दिखते हैं, तो कंटेंट देखने में एकदम मजा आ जाता है। फिर वो चाहे आप यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देखो या फिर नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न प्राइम पे वेब सीरीज देखो, दोनों में ही बढ़िया एक्सपीरियंस देती है इसकी डिस्प्ले। CMF फोन 1 में बेसिक से कलर्स मिल जाते हैं, 8 बिट कलर डेप्थ मिल जाती है एंड 1:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल जाता है जो कि उसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से जस्टिफाइड है। एंड दोनों ही फोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि अच्छा खासा फास्ट काम कर जाता है। देन नथिंग 2A में मिल जाता है MediaTek Dimensity 7200 Pro चिपसेट एंड CMF फोन 1 में मिल जाता है MediaTek Dimensity 7300 5G चिपसेट। दोनों ही 8 कोर एंड 4 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर्स हैं, बट 7300 बड़ा नंबर होने के बाद भी 7200 से कम परफॉर्मेंस देता है, जिसका लॉजिक मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आया। नथिंग में मिल जाती है 8 एंड 12GB रैम वाले वेरिएंट्स विद 128GB एंड 256GB स्टोरेज एंड CMF फोन में मिल जाते हैं 6GB एंड 8GB रैम वाले वेरिएंट्स बोथ विद 128GB स्टोरेज। नथिंग फोन 2 आउट ऑफ द बॉक्स हमें मिल जाता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 एंड नथिंग OS 2.5 के साथ एंड इसमें 3 इयर्स के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलते हैं, तो यानी आप एंड्रॉइड 17 तक तो कवर्ड हो एंड 4 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाते हैं। देन CMF फोन 1 में आ जाए तो उसमें भी एंड्रॉइड 14 मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स विद नथिंग OS 2.6 एंड उसमें 2 इयर्स के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलते हैं एंड 3 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स। देन अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे को नथिंग OS काफी ज्यादा पसंद है। पूरे फोन में नथिंग की एक थीम रहती है एंड हर चीज में नथिंग का एक थोड़ा सा टच मिल जाता है एंड इवन नथिंग का आइकन पैक भी मिलता है। देन हमें AI वॉलपेपर जनरेटर भी मिल जाता है जिसमें काफी सारे वॉलपेपर जनरेट कर सकते हो आप अपने हिसाब से, जिसे हमने इसे रखा स्काई पे एंड फोटोग्राफी पे एंड जनरेट पे क्लिक करा तो कुछ इस टाइप का वॉलपेपर जनरेट हो जाता है। आप इसको सेट कर सकते हो और इसमें जितने भी वॉलपेपर्स आप जनरेट करोगे सब सेव्ड रहेंगे। देन इनके वॉलपेपर से मेरे को एक चीज बढ़िया लगती है जो कि एक ग्लास वाला इफेक्ट रहता है, आप किसी भी वॉलपेपर पे लगा सकते हो एंड ये काफी अच्छी लुक्स देता है। देन नथिंग का सबसे हाईलाइटिंग पार्ट इसका ग्लिफ इंटरफेस एंड इसमें काफी सारे ऑप्शंस एंड कस्टमाइजेशंस हैं, जैसे कॉल आने पे लाइट्स जलती है रिंगटोन के हिसाब से, आप अपनी रिंगटोन लाओगे उसमें भी काम करेगा ये, नोटिफिकेशंस में भी चल जाएगा ये। फ्लिप टू ग्लिफ मिल जाता है, आप फोन को उल्टा रख दोगे तो फोन साइलेंट मोड पे चला जाएगा एंड लाइट से आपको पता चल जाएगा कि कॉल आ रहा है या नोटिफिकेशन आ रहा है। फिर ग्लिफ टाइमर मिल जाएगा जिसमें आपको ग्लिफ लाइट से दिखेगा काउंटडाउन होते हुए। फिर मिल जाता है ग्लिफ कंपोजर और भाई ये खिलौना है, मतलब मैं कम से कम आधे घंटे तक बैठा रहा एंड इस पे खेलता रहा। आप इस पे अपने हिसाब से रिंगटोन बना सकते हो एंड उसके हिसाब से ग्लिफ लाइटिंग होगी, तो इस पे आप अनलिमिटेड ऑप्शंस मिल जाता है रिंगटोन बनाने के, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके एक रिंगटोन बना सकते हो गाना बजा के यहाँ पे कुछ इस टाइप से। फिर कनेक्टिविटी के मामले में दोनों फोन में लेटेस्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है, वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है एंड दोनों में डुअल सिम स्लॉट मिल जाता है। देन बैटरी की बात करें तो दोनों फोन्स में 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो अच्छी खासी पूरे दिन चल जाती है एंड आपको 10 आवर्स जितना स्क्रीन ऑन टाइम दे देगी इजीली। एंड जो नथिंग फोन 2 है इसमें फास्ट चार्जिंग मिल जाती है आपको 45W की, तो काफी जल्दी चार्ज हो जाता है। एंड जो CMF फोन 1 है इसमें आपको डिसेंटली फास्ट स्पीड मिल जाएगी 33W की, तो ये भी एक अच्छी खासी स्पीड है इस बजट के हिसाब से। देन नथिंग फोन में एक मेन कैमरा मिल जाता है 50MP का एंड एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, ये भी 50MP का है एंड इसमें मैक्स आप 4K 30fps की रिकॉर्डिंग कर सकते हो एंड 1080p 60fps की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। एंड ये रहे कुछ इसके फोटो के सैंपल्स इंडोर्स में, देन ये कुछ आउटडोर सैंपल्स हैं फोटोज के एंड कुछ लो लाइट के सैंपल्स दिए एंड लो लाइट में ये ठीक ठाक फोटोज खींच देता है डिसेंटली। देन वीडियो क्वालिटी कुछ इस टाइप की मिल जाएगी एंड इसकी स्टेबलाइजेशन भी आप देख सकते हो शॉट में, इतना स्टेबल है ये। देन फ्रंट में मिल जाता है 32MP का पंच होल कैमरा एंड इससे भी अच्छी खासी डिसेंट फोटोज आ जाती है, ये है कुछ इसके सैंपल्स इंडोर में एंड इसमें भी हमें वीडियो में 1080p 60fps रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो नथिंग फोन 2A में डुअल माइक मिल जाता है, एक यहाँ ऊपर है एंड एक यहाँ नीचे है एंड कुछ इस टाइप की ऑडियो क्वालिटी जाएगी आपकी सामने वालों को इंडोर्स में,
ज्यादा कुछ नहीं चल रहा है, शांति है, सिर्फ एसी चल रहा है एक। एंड आउटडोर्स में कुछ इस टाइप की ऑडियो क्वालिटी मिल जाएगी, हवा चल रही है, पीछे से कुछ आवाज आ रही है जनरेटर की, तो सामने वालों को आपकी वॉइस आउटडोर्स में ऐसी जाएगी। तो ओवरऑल इसके कैमरा की बात करें तो एक डिसेंट कैमरा मिल जाता है आपको इसमें। वहीं अगर CMF फोन की बात करें तो उसमें कैमरा काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है, मतलब देखने को तो दो कैमरा है बट जैसे अगर आप एक लेंस को छुपा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब किसी भी मोड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्ले आपकी ब्लैक हो जाए, नॉर्मली कैमरास में से होता है। तो इन्होंने क्या दिया है कि ये जो दूसरा कैमरा है ये एक असिस्ट कैमरा है, तो आप जैसे पोर्ट्रेट मोड में अगर फोटो ले रहे हो तब आप इस लेंस पे हाथ रख दो तो वो जो पोर्ट्रेट में बैकग्राउंड ब्लर का इफेक्ट आता है ना तो बस वो नहीं आएगा, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल सा मैटर बन चुका है। देन इसमें भी जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है एंड डिसेंट फोटोज निकाल के दे देता है एंड 4K 30fps की मैक्स रिकॉर्डिंग करवा देता है। एंड इसमें कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलता जो कि मेरे हिसाब से मिलना चाहिए आज की डेट में। तो कैमरा के मामले में CMF ने अच्छी खासी कॉस्ट कटिंग करी है एंड कहीं तो करेंगे ही कॉस्ट कटिंग। और इन्होंने जहाँ कॉस्ट कटिंग की है वो इसके स्पीकर्स में, इन्होंने एक सिंगल मोनो स्पीकर दिया है, कोई स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, तो इसका साउंड आउटपुट ज्यादा खास नहीं है, ठीक ठाक सा है। एंड उसको भी आप एक स्पीकर को अगर उंगली से कवर कर दो तो साउंड आनी बंद हो जाती है, एकदम कम हो जाती है साउंड। तो साउंड के मामले में भी ये ठीक ठाक सा ही है। वहीं अगर हम नथिंग 2A में देखें तो हमें स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं एंड अच्छी खासी साउंड क्वालिटी मिल जाती है। तो बस यही था नथिंग फोन 2A का पूरा रिव्यू एंड इसका साइड बाय साइड कंपैरिजन CMF फोन 1 से। एंड ये आपको मिल जाएगा 24,000 में एंड कार्ड वार्ड ऑफर लगा के 23,000 तक आप इसे ग्रैब कर सकते हो बेस वेरिएंट को। एंड वहीं पे CMF फोन 1 मिल जाएगा 16,000 रुपीज का एंड उसको आप कार्ड वार्ड ऑफर लगा के 15,000 तक में ग्रैब कर सकते हो बेस वेरिएंट को। तो नथिंग फोन 2A में कह सकता हूँ कि एक फ्लैगशिप का बजट वर्जन वाला फोन है एंड एक अच्छा खासा फोन है, कंसिडर कर सकते हो आप। इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये एक डिसेंट फोन है, इसको लिया जा सकता है। एंड अगर CMF फोन की बात करूं तो CMF फोन एक फुल बजट सेगमेंट वाला फोन है एंड अगर दूसरे फोन देखे जाए उसके प्राइस सेगमेंट में तो वो काफी बेटर है बाकी फोन से, तो वो भी एक अच्छा फोन है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको नथिंग और CMF का डिजाइन लैंग्वेज कैसा लगा एंड आपको दोनों में से कौन सा फोन बेटर लगा। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ एंड इसी तरह के और टेक कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।